जाओ इसको और खजाने से निकाल करके जितना कहेगी उतना दे देना। ठीक है महाराज, हराम जादी। ये क्या है रे, किचन निकाल पकड़ा दे। हाँ यस बोलो ना, पक पक पक। आओ चलो चलो चलो। हेलो 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 हेलो। हाय अब की चली गई तू चाइबो। हरी हमली के पिटाई डाल नहीं हर भये बलाम जी। दरबारी जाओ, तुम्हें नामकरण करने को आता है? नाम? हाँ क्या करने का? बच्चों को नाम धरा परी। हाँ वो का हम कहा जाने पढ़े लिखे ना है। पर तूने तो बहुत होशियार दरबारी है रे, लेकिन हम नहीं पढ़े हैं महाराज। और वो दूसरा वाली दरबारी कहाँ है, बुला उसको। हम तो नहीं खा छोला हैं मालिक। बाबूजी बुलावा। ये बताओ बच्चों को नाम रखना आता है? और नाम तो रखना आता है, नाम धराए कोई पंडित होगा। अरे नाम किसी पंडित को रखना चाहिए? अगर पंडित लगता है तो पंडित को बुला करके लाओ। नामकरण तो पंडित से होगा, तब आप जल्दी बुलाकर मेरे राज में लाओ। किरण पसारे जागौना खया बकिरण पसारे जागौना खया बकिरण पसारे राम राम कहने लागे तो भूल भूल उठ राजा दशरथ राम राम कहने लागे कोई गावे कोई माला डोलावे कोई भजन करने लागे राम नाम की बाजन पाज भोर भय भिन सारे उठौना थया बकिरन पसार। मुझे किस लिए बुलाए हो? महाराज का आदेश है। क्या आदेश है? कि उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। एक बच्चे का जन्म हुआ है जी। और उस बच्चे का तुम्हें नामकरण करना है। ठीक है, आज बताएंगे हम। ठीक है बताओ। और तो बच्चे तो नहीं है? नहीं नहीं, दो बच्चों का जन्म हुआ है। दो बच्चे का। पहला जन्म उसी बियाबान में हमारे रानी के हुआ है। अच्छा, और दूसरा बच्चा महल में हुआ है। दूसरा बच्चा महल में हुआ है। ठीक है बच्चे, हमारा पोथी उठा दो। इस पोथी पर आप हाथ धरिए दाहिना हाथ। वाह अरे क्या हुआ पंडित जी? बच्चे महाराज आप नहीं जानते हो, आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं। अच्छा,
वो जो बड़े वाले जंगल में लड़का बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम ध्रुव रहेगा। बहुत सुंदर नाम तूने बताया महाराज। और जो इस महल में बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नाम उत्तम रहेगा। वाह दरबारी कितना सुंदर नाम है ध्रुव और उत्तम। उत्तम बड़े वाले का, बड़े वाले का नाम ध्रुव रहेगा, छोटे वाले बच्चे का नाम उत्तम रहेगा। दरबारी ले जाओ पंडित जी को विदाई कर दो और इनका विदाई भी दे दो। चलो बच्चा मंत्री जी अब इस दरबार में कोई एक कक्षा मास्टरमाइंड ढूंढ कर लाओ कि जो सभी हमारे बच्चों को पढ़ाए। ठीक है मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। जाइए। अरे जगत में भैया पाँचों चलन मरे भाई, जगत में भैया जगत में भैया पाँचों चलन मरे भाई, जगत में भैया मंजन कैलो भोजन की अरी तैयारी, बड़े बड़े मन दर्शन का यही है दशरथ राज दुलारे उठौना थया मकीरन। नमस्कार, मैं भी पढ़ने को आया हूँ और हमारा भी नाम लिख लिया जाए। हमारा नाम ठीक है। सुनो है सुनो गुरु हमारे पछलिया मरे गुरु जी, सुनैया रे हमार मरे गुरु जी, अरे मरे गुरु जी तन सुनैया रे हमार मरे गुरु जी। जंगला के बिचवा एक टूट ही मरैया मरे गुरु जी, वही वही करी थी बिचारा मरे गुरु जी। मरे गुरु जी वही वही करी बिचारा मरे गुरु जी। वही मैं करीला गुजरा मरे गुरु जी, अब उधर रहना मारे मरे गुरु जी।
हाँ, पिताजी का नाम तो मैंने नहीं जानता हूँ कि हमारे पिता का नाम क्या है, मैं नहीं जानता हूँ गुरुजी। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी मेरा भी नाम लिख लो, मेरा नाम उत्तम है, मेरे पिताजी का नाम राजा उत्पान सिंह, मैं अयोध्या का रहने वाला हूं। अरे तो कुछ पढ़ाओगे कि ऐसे नाम लिखोगे हिंदी का खा गा घा अंगा बस। हाँ गुरुजी, हमारे पास तो किताब है नहीं, मैं क्या लेकर आऊं, नहीं है गुरुजी, मैं वैसे ही जंगल में रहता हूँ और हमारे माँ और हम और हमारे पास कोई भी नहीं है, मैं क्या लेकर आऊं। गुरुजी इस गरीब को भी पढ़ाया जाए, मुझे फक्र है कि इस गरीबुल को हमारी किताब से पढ़ाया जाए। गुरु जी नाराज क्यों होते हैं आप, क्या इंसान नहीं है? हाँ ये बात सच है बाबूजी, क्योंकि इस जंगल में पानी और कुछ मिलता नहीं, 8 दिन हो गया मैंने नहाया नहीं हूँ। अरे गुरुजी इंसान इंसान होता है, किसी को पानी मिलता है किसी को नहीं मिलता है, इस बच्चे को पढ़ाया जाए। मास्टर साहब नाराज बहुत होते हैं, आप पढ़ाइए। ओ अरे नजदीक होकर पढ़िए, गुरुजी डांटते हैं बाबूजी। अरे डरो मत, गुरुजी बहुत नाराज होते हैं, क्या बात है, तुम्हें नौकरी करना है, नौकरी पर अपनी ड्यूटी निभाना है, उस बच्चे को आप पढ़ाइए, चाहे वो खुशबू में हो या गंदगी में हो, उस बच्चे को तुम्हें पढ़ाना है, पढ़ाइए, आइए आइए पढ़िए, आप पढ़िए। का लगा है घा अंगा, ठीक है गुरु जी। आए बच्चे, आए बाबूजी, ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं जंगल में रहता हूँ। जंगल? हाँ, उस जंगल में हमारी माँ और हम। तुम्हारी माँ है? हाँ माँ है, और तुम हो? मैं हूँ। लेकिन जंगल में रहकर तुम्हारी माँ पढ़ा कैसे रही है? बाबूजी मेरी माँ जंगल से लकड़ी तोड़ती है और तोड़ करके बाजार में बेच देती है, 1 रुपया 2 रुपया पाती है। तुम्हारी माँ एक माँ वो है जो जंगल से लकड़ी काट कर और बेच कर अपने बेटे को पढ़ा रही है। हाँ ठीक है, हम तुम्हारा हर वक्त मददगार रहूंगा। अरे बाबूजी कहाँ आप और कहाँ मैं, अरे शेरे दिल गम न करो, शेरे दिल गम न करो, हम तुम्हारे यार भी है। शेरे दिल गम न करो, हम तुम्हारे यार भी है, अगर दिल से चाहो भी है, अगर दिल से चाहो
साहब आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। तुम चलो हमारे घर। तुम्हारे घर और क्या क्या वहां ले जा रहे हो बाबूजी? अरे दोस्ती दोस्ती होता है, हमारे घर आज तुम्हें चलना होगा। तुम्हें कपड़ा दिखाऊंगा, तुम्हें खाना खिलाऊंगा, सुबह फिर कॉलेज लेकर आऊंगा और अपने माँ बाप से तुम्हें मिलाऊंगा। ठीक है बाबूजी, चलो। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम तुम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती कदमों में सर अपना झुकाता हूँ, पिताजी आपके कदमों में सर अपना झुकाता हूँ, क्षमा अबू राध अबू नया पुसे बाबुल मैं चाहता हूँ। बता मांग रहा क्या है, जमा क्यों कर यहाँ सब है, बुलाया किस लिए बाबुल जानना राज चाहता हूँ। बाबूजी आपका बेटा आपके सामने, और ये मेरा जिगरी दोष है, इसको खाना दिया जाए और कपड़ा दिया जाए। बाबूजी ये तुम्हारा दोस्त है? ये मेरा दोस्त है, मगर बेटा स्कूल में हमारे साथ में पढ़ रहा है। अच्छा, ये बहुत गरीब घर का लड़का है। हाँ बाबूजी, इसकी माँ लकड़ियां काट काट कर जंगल से बाजारों में बेचती है और अपने बेटे को पढ़ा रही है। ठीक है, मगर बेटे मेरे बात को सुनो। कही बाबूजी, तो रहते हो किस जगह बेटा बताओ मुझे, रहते हो लाल है मेरा तू लाल है, बस गले से लगा लू अरमान है। बताइए बेटा कहां के रहने वाले हो और क्या नाम है तुम्हारा? मैं बाबूजी मैं जंगल में रहता हूँ बाबूजी। अच्छा, और मेरी माँ और मैं और दूसरा तीसरा कोई नहीं है बाबूजी। तुम्हारी माँ और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो ध्रुव है। अरे वाह बेटा। क्या है बाबूजी? बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो इसको साथ में ले आया। बाबूजी जान का फर्ज यही होता है। बेटा ये तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। बाबूजी आपके कहने पर आज बड़ा भाई मानता हूँ।
तो तारे दोनों मेरे लाल चुन लीजिए, तारे दोनों मेरे लाल चुन लीजिए, आइए पास मेरे कद खिलाऊंगा, गोद में तुमको जब मैं दिल ये भर जाएगा। आओ बेटा, आज तुम्हें जी भर के खिलाऊंगा कि ताकि ये मेरा दिल खुशियों से भर जाए। और आज तुम्हारी मां जब आएगी रात दरबार में, दोनों बेटों के देखेगी तो बहुत खुश होगी। ठीक है बाबूजी, आइए कैसा बैठू बाबूजी। महाराज जी मेरी बात सुनिए। रानी तुम्हें क्या हो गया? क्या बोला महाराज जी मेरी बात सुनिए। तूने ऐसा क्यों किया? तो सुनिए महाराज जी मेरी बात को। अरे सुनो हो सुनो राजानी, अरे हमारी की बचानी हमारे बलमुआ, और माने लियो कहावा हमारी हो बा। अरे बैठाया बाये हो जानी हमारे बालमुआ, और दूसरे मन बैठाए दहनिया जानी। राजन, इस हराम गाने से कह दे यहाँ से चले जाओ ना, बहुत मारूंगी। राली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या महाराज जी, और यहाँ से यहाँ बड़ी चुपचाप बढ़ जाइए। तो जिस तरह लाल तेरा है राली, तुम्हारी लाल है ना, उसी तरह वो भी किसी का माँ का लाल है। नहीं मानेंगे भाई, और ये बात चुपचाप वहाँ पर बैठ जाइए और बीच में मत बोलना। अच्छा जी हाँ, आप बैठिए चुपचाप। ठीक है।